राज्य सरकार की कथित जन विरोधी नीतियों और कानून व्यवस्था में खामी का आरोप लगाते हुए भारतीय जनता पार्टी ने आज राजधानी रायपुर में धरना प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में रायपुर जिला भाजपा के सभी 16 मंडलों के नेता और कार्यकर्ता जुटे। इस दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं ने सरकार की कार्य प्रणाली पर सवाल खड़े करते हुए अलग अलग मुद्दों को लेकर नारेबाजी करते हुए अपना विरोध जताया। इस प्रदर्शन में भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉ. रमन सिंह, नेता प्रतिपक्ष धरमलाल और पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल सहित कई अन्य नेता शामिल हुए। इन नेताओं ने आरोप लगाया कि रायपुर सहित प्रदेश भर में लचर कानून व्यवस्था के चलते आपराधिक घटनाएं बढ़ी हैं। देश में जिस प्रकार से गुंडागर्दी चल रही है, राजधानी सुरक्षित नहीं है, लगातार चाकू से भोगने का काम किया जा रहा है। यहाँ पर न बाराती सुरक्षित, न दूल्हा सुरक्षित। यहाँ पर लगातार एक नई संस्कृति को कांग्रेस जन्म दे रही है। पूरे प्रदेश में लूट, डकैती, हत्याचार, हत्या के जो घटनाएं आ रही है, वास्तविक में कानून व्यवस्था पूरे प्रदेश में खत्म हो गई है। तो छत्तीसगढ़ की कानून व्यवस्था की स्थिति, नई राजधानी में किसान आंदोलनरत हैं, उनके ऊपर में लाठीचार्ज होता है। पूरे प्रदेश में कर्मचारी अधिकारी आंदोलनरत हैं, DFO कलेक्टर आपस में लड़ते हैं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। पर राजनीतिक कार्यकर्ता अगर कोई आंदोलन करते हैं तो उनके खिलाफ में कार्रवाई होती है, और इस सरकार की नादिरशाही के खिलाफ में आज ये धरना आयोजित है। इससे पहले कल रायपुर स्थित भाजपा कार्यालय में जिला भाजपा कमेटी की बैठक हुई। पार्टी के शहर जिला अध्यक्ष श्रीचंद सुंदरानी ने इस बैठक को संबोधित करते हुए राज्य सरकार पर सत्ता के दुरुपयोग का आरोप लगाया।